हेलो, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सब बोल लोगे कि दीदी ने ऐसे मुंह क्यों बांध रखा है, तो उसका रीजन है ये। मैं ना किचन साफ कर रही हूँ, और ऊपर जैसे मैंने अभी यहाँ पे साफ किया, झाड़ू जो मारी ऊपर की साइड, जाले निकाल लूंगी, मेरी आँख में गिर गया। अभी मैंने साफ कर रही हूँ, थोड़े से जाले जहाँ भी लग रहे हैं वो सब निकाल लूंगी, दोनों स्लिप साफ करूंगी। इस वाले स्लिप पे ना मट्टी जम गई थी, ये देखो नीचे की साइड मट्टी हो गई थी। और दूसरी बात, एक चीज़ और हुई थी कि लाल कीड़ी बहुत ज़्यादा थी। मैं कह रही क्यों नहीं जा रही है, इस मट्टी में हो रही थी। उसको भी साफ करूंगी, उपरले को भी साफ करूंगी। मुझे वैसे कमेंट भी आ रहा था कि दीदी आप अपना किचन भी साफ करो। मैं कई दिन से सोच रही थी कि आज करूं कल करूं, पर वही बात ना यार, मौका नहीं लग रहा था। आज मैंने मौका लगाया और किचन को साफ कर दिया, डब्बे साफ कर दिए हैं। ये थोड़ा सा ही साफ करूंगी, 1.5 घंटा लग जाएगा। फिर झाड़ू पोछा करूंगी, तब नहाऊंगी। कपड़े वगैरह तो आज नहीं धुलूंगी, सुबह सुबह धो दिए मैंने, 2 जोड़ी कपड़े थे। सबसे पहले मैं इसको पानी डाल के है ना साफ करूंगी। और मैंने चुन्नी इसलिए बांधी, जैसे कि बताया कि आँख में रेत वगैरह गिर गया, मुंह पे धूल बैठती है बहुत ज़्यादा। और फटाफट मैं इसको पानी डाल के सारी मिट्टी जो है ना इसकी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है तो थोड़ा सा धोने में टाइम लगेगा। मैंने सोचा कि पानी से ही धो लेती हूँ, ऐसे तो पोछा मारने से बार बार मिट्टी नहीं जाएगी। तो अच्छे से पानी डाल के इसको पूरे स्लिप को साफ़ कर लेती हूँ। और फिर इसकी जो पन्नी है स्लिप की जो मैंने उतारी है उसको भी धोऊंगी मैं। तो थोड़ा सा स्लिप धोने में टाइम लग रहा था। और ये रही वो पन्नी जो मतलब मेरे को बिछानी है, ये ऊपर वाले स्लिप की है। पहले इसको धो के और एक साइड रख दूंगी सूखने के लिए, फिर पोंछ के ऊपर वाले में बिछा दूंगी। ऊपर का स्लिप साफ़ कर दिया है मैंने, नीचे का अच्छे से वॉश कर दिया है। मैंने साथ के साथ पन्नी बिछा दी। अभी है ना नीचे वाले में मैंने डब्बे बिना पन्नी के लगा दिए, क्योंकि इसकी पन्नी अभी मैंने साफ़ नहीं करी। मैं सोची थी कि बाद में कर दूंगी, फिर मेरे दिमाग में आई कि मैं साथ के साथ इसकी भी कर देती हूँ, बाद में से क्या रह गया। अभी डब्बे लगाऊंगी, फिर दोबारा लगाऊंगी। लगा तो मैंने दिए हैं, पर दोबारा लगाने की मेहनत होगी। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर 1-2 दिन के बाद या 1 घंटे बाद फिर भी तो करना है मुझे ये काम। अभी साथ के साथ कर लेती हूँ इस काम को भी। तो किचन जो है मेरा पूरा क्लीन हो चुका है, और अभी मैं लगा रही हूँ बरामदे में झाड़ू। तो फटाफट से मतलब मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ, बहुत सारा कूड़ा हो जाता है। मतलब आप देखो, चाहे आप रोज़ सफाई करते हो और फिर है ना आप सफाई करने लगो तो कहीं ना कहीं से इतना कूड़ा निकाल ही आता है। और अभी यहाँ पे है ना थोड़ा सा कूड़ा पड़ा हुआ था, वो हम लोगों ने जला दिया। मतलब जो टावर के गत्ते वगैरह थे वो जला दिए। मौसम जो है ना ख़राब बना हुआ है, शायद बारिश आएगी। और अभी जैसे ही मैं मतलब मैं कह रही थी मौसम ख़राब हो रहा है, मैं बर्तन साफ़ करने लगी, बारिश आ गई। फिर मैंने ना किचन थोड़े से बर्तन साफ करे, 2-4 बास्केट थी वे साफ़ करी। और अभी उसके बाद मैं कर रही हूँ गैस का चूल्हा साफ। जी हाँ, मतलब मेरा ना 3रे 4थे दिन गैस का चूल्हा साफ हो जाता है। रोज़ तो वैसे मैं सूखा कपड़ा लगा देती हूँ, पर जो है मांजना, जो मांजना है वो 3रे 4थे दिन मांज देती हूँ। कायरव बाबू खेल रहे थे, नहा लिए, अवनी भी नहा ली। चुकी हूँ, आप कमेंट में बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ। और अभी तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने गोपाल जी को नहा दिया और पूजा भी कर दी है, और मम्मी भी नहा चुकी है, कायर भी नहा चुका है, यहाँ पर सब नहा चुके हैं। देखिएगा हमारे गोपाल जी। बाबू तुम नहा लिए? नहीं नहाता, नहा दोगे? सफाई में लगी हुई थी, इतना ज़्यादा टाइम लगा, पूजा पाठ करी। फिर जो है ना अभी बना रही हूँ रोटी। तो कुछ जो है रात के आलू टमाटर रखे हुए हैं फ्रिज में, और बस 2-4 रोटी बना लूँगी। कायरव को लग रही है भूख, उसकी चाय बनाई है। इसको दूध को चाय बोलता है कि मेरी चाय बना दो, उसके लिए दूध बनाया है। और अपने और अवनी के लिए 3 से 4 रोटी सेक लिया। हम लोग इससे ज़्यादा रोटी नहीं खाते, क्योंकि हम लोगों की सच में आप लोग यकीन नहीं करोगे, पूरे एक टाइम में 5 रोटी भी हमारे घर में नहीं बनती। अगर बन गई तो वो खाई नहीं जाएंगी, 3 या 4 रोटी से ऊपर नहीं। 1 रोटी बचनी है या 2 बचनी है, 3 ही बल्कि, इतने हम लोगों की खुराक है। ज़्यादा रोटी हम नहीं खाते, मैं भी अवनी भी। अवनी 1 या आधी रोटी खाती है, जैसे बड़ी है तो 2 रोटी तो पतली पतली उसे खा लेनी चाहिए, पर वो भी नहीं खाती। बच्चे कम ही खाते हैं, दूध वगैरह दे देती हूँ ना मैं। अभी फ़िलहाल मैं चुन्नी ओढ़ रही थी, और आज मेरे बाल मेरी बेटी ने बनाए हैं आगे से सेट करके, और पीछे से एक जुड़ा भी। उसको बहुत ज़्यादा शौक है मेकअप का, मेरा मेकअप करने का और मेरे बाल वगैरह सेट करने के। तो मैं यहाँ बिन बोले ही आपको अपना सारा किचन दिखा देती हूँ, और पीछे से करूँगी वॉइस ओवर। तो अब की बार मैंने डब्बे जो है ना यहाँ स्लिप पर लगाए हैं, और ऊपर जो है ना ग्लास, ये शरबत वाले ग्लास और कप और 1-2 बड़े डब्बे हैं वो वहाँ रखे हुए हैं नीचे। मैंने आपके अब की बार गैस पूरा स्लिप मेरा सेट हो चुका है। यहाँ पर जाली है, फ्रिज बाहर ही है,
तो आप लोगों को दिखाना तो बनता है कैसा लग रहा है मेरा क्रिकेट, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी बना रही हूँ मैं चाय, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। तीसरे पैर की चाय बना रही हूँ, बच्चों को चाय की इच्छा है, थोड़ी सी अब नहीं पी लेती है इस टाइम, कायरो भी पी लेता है। देखो इतना ज़्यादा दूध मेरे पास में नहीं हो रहा कि 3-4 टाइम मैं दूध दे सकूँ, मोल का दूध रहता है, तो इस वजह से इस टाइम मैं थोड़ी चाय बना लेती हूँ, दूध डाल के दे देती हूँ। अब एक घूंट दूध में बच्चों का फिर पेट नहीं भरता, कभी कभी ऐसा करना पड़ जाता है, कम बढ़ती दूध का हो जाता है, लेने के लिए लेते भी हैं 2 किलो, पर फिर भी क्या होता है, मोल के दूध में गुजारा नहीं होता। और ये दोनों चारपाई उठा के मैंने इस साइड खड़ी करी, अब इनकी की चप्पल ही उठा के रखूँगी, थोड़ा बहुत तो फैल ही जाता है। कायरों का जो है शेर पड़ा हुआ था घाट पे, इसको अंदर रखूँगी, छोटी मोटी चीज़ें हर टाइम उठानी पड़ती है, इधर से उधर पड़ी रहती है। और अभी जो है ना मैं बना रही हूँ गोपाल जी के लिए हलवा, जी हाँ गोपाल जी को हलवे का भोग लगा लेते हैं। वैसे तो हमने उनको खाना खिला दिया था, पर कभी कभार शाम में तीसरे पैर सुबह में कभी भी मतलब गोपाल जी के भोग के लिए हलवा तैयार कर लेते हैं, और बच्चे भी खा लेंगे, दोनों बच्चे बहुत अवनी कम पसंद करती है, कायरव ज़्यादा पसंद करता है बेसन का हलवा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही घी डाला और 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें बेसन डाल दिया है। घी है ना ख़त्म हो रहा है, मेरे को घी भी लाना है भाई। देखो घर में यही तो होता है, पता नहीं कब कौन सी चीज़ ख़त्म हो जाए, छोटी मोटी चीज़ें हर टाइम घर में ख़त्म हो जाए, तो एक एक चीज़ों के लिए तो नहीं आदमी मार्केट जाएगा, कोई बड़ा ही कुछ लाना है तो फिर जाएगा, तो वही मैटर है। मैं बेसन भून रही थी, यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा, तो कायरव बोला मम्मी आपको गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, मैं हवा कर दूंगा हवा। तो अवनी से एक पुरानी बुक्स लेके आया और मेरे को हवा कर रहा था, देखो। और अवनी जो है ना क्लिप बना रही थी, मेरे बच्चे मेरा बहुत ज़्यादा वो करते हैं, देखो भले ही छोटे हैं पर मतलब इनका आगे जाके पता नहीं कोई क्या करे क्या नहीं है, तो किसी को भी नहीं पता, मेरे को कहा किसी को भी नहीं पता होता, पर अभी फ़िलहाल तो मेरा बहुत ज़्यादा लाड़ करते हैं। और एकदम से वो किताब उठा के लाया, हवा करी और फिर हलवा हो गया तैयार, और मैंने इसमें पानी डाला था, फिर उसके बाद में चीनी डाली और मैंने 3 से 4 चीनी डाल दी है। तो मैंने ना जब बेसन भुना तब नहीं डाली थी, अभी डाल दिया, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देंगे। और गोपाल जी को अभी हमने बाहर बैठा रखा है, इस टाइम हम इनका मुकुट उतार देते हैं और बाहर बैठा देते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। बाबा मिल गए? हाँ पापा मिल गए। कहाँ थे बाबा? बाबा आटे करके। आधे कितने? हाँ वो आटे कितने? मामा हम कर दे बाबा को। ये तो बाबा है। मामा हम कर दो। मैं ले खवा लिया। बाबा को खा देगा? हाँ मैं ले को पापा को ले खवा दूँगा। ये बाबू के लिए क्या लगेगा? को हेलो का का बोले तो है। हाँ कौन बोला है? पुलिस बोल रही। हाँ बोले। अब मम्मी चोर है? चोर है। हाँ यो ये पुलिस है। ये पुलिस है? हाँ। ये चोर है? हाँ ये चोर है। चोर है, पुलिस को फोन करो आप। हेलो को बोला है? हेलो पुलिस। ये चोर है? हाँ। और नहीं तो बच के भाग जा, नहीं तो तुझे कुत्ते का। मैं पुलिस हूँ। अभी यहाँ पर मैं कुछ ढूंढ रही थी, मेरा एक बहुत ज़रूरी कागज़ है जो नहीं पा रहा था, मतलब सेब में जो नीचे एक छोटा सा खाना है इसमें से, मतलब मैं देख रही थी बहुत सारे का आदमी है ना रख के भूल जाता है, वो ये मैं रख के भूल रही थी, फिर मेरे याद आया मैं इसमें मंडी ढूंढने पा तो जाएगा, कोई फाइल वगैरह में रखा होगा, पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। कई दिन से सोची थी कि आज नहीं तो कल मैं ढूंढूंगी, आखिरकार पा ही गया। मेरी मिक्सी जो है ना दिक्कत कर रही है, इसमें एक टोल फ्री नंबर है उस पर मुझे कॉल करनी है और फिर से मिक्सी को दिखाना है। ये गमले जो है मैंने भिगो दिए हैं, इनको वॉश करना है, और पीछे साइड में आप बास्केट रखी हुई देख रहे हो, ये 2 बास्केट और रह गई थी साफ़ करने के लिए, ये दोनों साफ़ कर दिया। और ये गमले जो हैं वो भी मैंने धुल दिए, इनको सूख जाएंगे तब उसके बाद सामान सेट करूँगी और इनको भी तभी लगाऊँगी। तो रूम का काम भी कंप्लीट हो गया, अलमारी वगैरह सब साफ़ कर दी मैं, अभी कुछ बर्तन पड़े हुए हैं ये साफ़ करने हैं, उससे पहले मैं दूध ले आती हूँ, फिर लेट हो।
पी ली क्या आपस में? तो मतना भंडो भैया बकस दो, घर को मत चिपकाओ। हाँ घर मत चिपकाओ मेरे बच्चों, बहुत मेहनत से मैंने सारा घर साफ करा। वीडियो का यहीं करेंगे एंड, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग जब खाना खा रहे थे तो एक बिल्ली आ गई, फिर हमने 2-3 टुकड़े उसको भी डाल दिए। मतलब ये तो अनबोलता जीव, इनको रोटी खुआना अच्छी बात होता है, कभी कभी हम कुत्तों को भी डाल देते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।